बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.2 क्वेश्चन नंबर 5 एस का पार्शियल फ्रैक्शन में हमें रिजॉल्व करना है। लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और उसकी पावर है क्यूब इज इक्वल टू। अब जब हमारे पास क्यूब में आ रही है पावर तो फिर कांस्टेंट लेंगे एक और एक दफ़ा एक्स माइनस वन वन की पावर के साथ आएगा प्लस दूसरा कांस्टेंट लेंगे भी और फिर एक्स माइनस वन की पावर होगी स्क्वायर प्लस सी और अब यहाँ पर एक्स माइनस वन क्यूब आएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये साइड एज इट इज लिखी जाएगी कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आएंगे एक्स माइनस वन, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन टू टाइम्स आएगा, यहाँ पे क्यूब है तो ये थ्री टाइम्स लिखा जाएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। आप इनके पेयर्स बना लेते हैं, ये तीन पेयर बन रहे हैं तो यहाँ से एक हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन, यहाँ से एक एक्स माइनस वन और एक इन दोनों में से आएगा x माइनस वन, तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वन का क्यूब। तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा x माइनस वन क्यूब। ए को हम ए के डिनोमिनेटर में x माइनस वन, एक एक्स माइनस वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेंगे x माइनस वन की पावर टू प्लस बी, बी के पास है x माइनस वन का स्क्वायर तो यहाँ पर क्यूब्ड है तो हमारे पास बचेगा x माइनस वन प्लस सी, सी में हमारे पास क्यूब्ड आ रहा है क्यूब x माइनस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ सी ही आएगा। अब डिनोमिनेटर्स देखें x माइनस वन होल क्यूब और यहाँ पर भी x माइनस वन होल क्यूब तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन प्लस सी। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ये फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एज इट इज रहेगा ए और यहाँ पर ये हमारे पास ए है एक्स और माइनस वन वन है हमारे पास बी तो ये होगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू फार्मूले का एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं बी एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी और प्लस सी एज इट इज। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री एज इट इज ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर तो ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। अब यहाँ से एक्स वाले अलग कर लेते हैं, इस राइट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी एज इट इज लिखेंगे और यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और एक्स वाले अलग अलग कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाला तो हमें एक ही नज़र आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वाले हमारे पास हैं माइनस टू ए प्लस बी और एक्स इन दोनों में कॉमन है और कांस्टेंट है प्लस ए माइनस बी और प्लस सी माइनस, यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन टू, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन टू।
और ये हमारे पास होती है क्वेश्चन वन। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। इक्वेशन टू में हम लाइक टर्म्स देखेंगे। एक्स स्क्वायर वाले पहले ले लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वल टू के साइड पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आप डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ए हमारे पास आएगा वन के इक्वल। अब हम x वाली टर्म्स ले लेते हैं और a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। x वाली टर्म्स है हमारे पास माइनस टू ए प्लस बी एक्स और ये इक्वल है, इस साइड पर हमारे पास आ रहा है माइनस एक्स, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू एक की जगह पर हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, a हमारे पास इक्वल है वन के, एक्स को एक्स के साथ कैंसिल कर दें और ए की जगह हम लिखेंगे वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, देखें टू ए प्लस बी एक्स एक्स के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन, ए की जगह पर हमने ए की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू थी वन, मल्टीप्लाई होगा टू वन सा टू, माइनस के साइन है साथ में माइनस के साइन आएगी, प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। अब बी की वैल्यू हमें चाहिए तो बी को यहीं पर रहने देते हैं, माइनस वन भी यहाँ रहेगा, टू इस साइड पर आएगा तो ये प्लस का टू हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, तो बी की वैल्यू भी हमारे पास वन आ रही है। अब हम कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को ले लेते हैं। कॉन्स्टेंट वैल्यू देखें यहाँ पर, ये हमारे पास प्लस से माइनस बी प्लस सी है और साइड पर थ्री है, तो इनको लिख लेते हैं a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। ए और b की वैल्यूज हमारे पास हैं, a हमारे पास वन के इक्वल है और b है वन के इक्वल, तो a और b की जगह पर हम वन पुट कर देंगे, वन माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू थ्री, वन में से वन कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो बचेगा, c इज इक्वल टू थ्री, c की वैल्यू हमारे पास आ रही है थ्री। हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ गई तो हम इन्हें पुट कर देंगे इक्वेशन वन के अंदर। ए बी और सी तीनों की वैल्यूज हम इक्वेशन वन के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन वन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन क्यूब्ड इज इक्वल टू, ए की जगह पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए था हमारे पास वन और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई वन और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन का स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू आई है थ्री और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन का क्यूब। ये इसका आंसर।